हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग एंट्रीज में फर्दर एंट्रीज सीखेंगे। आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे फर्दर एंट्री दी, उसमें फर्स्ट है, ऑन 1 मई 2013 परचेज मशीनरी फ्रॉम जेके ट्रेडर्स बाय चेक फॉर ₹2 लाख। यानी जेके ट्रेडर्स के पास से हमने मशीनरी परचेज की है चेक से 2 लाख रुपये की। तो आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन दी हुई है। दो ट्रांजेक्शन इसलिए दिए हैं कि ताकि आप ट्रांजेक्शन को अच्छी तरह से समझ सको, अदरवाइज़ इसके लिए सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन रहती है क्योंकि हमने बैंक थ्रू पेमेंट कर दिया है। तो हम यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन इसलिए दे रहे हैं ताकि आप क्लियरली समझ सको। उसमें फर्स्ट एंट्री हमने दी है कि मशीनरी हमने परचेस की है, तो मशीनरी अकाउंट को हमने डेबिट रखा है, यानी हमारे पास एसेट्स आ रही है, तो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि हमारे पास मशीनरी आ रही है तो हमने मशीनरी को डेबिट साइड में रखा है। आप देख सकते हो, मशीनरी अकाउंट को हमने डेबिट 2 लाख रुपीज़ से किया है, और जिस पार्टी से हमने परचेस किया यानी कि जेके ट्रेडर्स के पास से हमने परचेस किया है, तो हमने 2 जेके ट्रेडर्स रखा है। जेके ट्रेडर्स अकाउंट को हमने क्रेडिट साइड में रखा है, यानी कि वो पार्टी हो गई है गिवर। एज पर पर्सनल रूल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी जेके ट्रेडर्स हमारा गिवर हो गया, तो हमने उसको गिवर अकाउंट में यानी कि क्रेडिट साइड में उसको डाला है 2 जेके ट्रेडर्स अकाउंट। तो हमारी यहाँ पर ट्रांजेक्शन बन जाती है मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख, 2 जेके ट्रेडर्स अकाउंट 2 लाख। आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर मैंशन किया है मशीनरी 2 जेके ट्रेडर्स। नेक्स्ट है जेके ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 2 बैंक अकाउंट, यानी कि जेके ट्रेडर्स को हमने चेक थ्रू पेमेंट कर दिया है। हमने जो मशीनरी उनसे परचेस की थी उसके लिए हमने उनको चेक पेमेंट किया है, यानी कि चेक थ्रू पेमेंट किया हुआ है, तो तब जेके ट्रेडर्स बन जाता है रिसीवर। तो रिसीवर अकाउंट को हम ऑलवेज डेबिट साइड में मेंशन करते हैं, तो हमने यहाँ पर जेके ट्रेडर्स अकाउंट को डेबिट साइड में मेंशन किया है, और चेक थ्रू पेमेंट किया है तो हमने बैंक को लिखा है क्रेडिट साइड। तो एज़ पर पर्सनल रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक अकाउंट गिवर हो जाता है, तो हमने उसको क्रेडिट साइड में रखा है, और जेके ट्रेडर्स रिसीवर हो जाता है तो हमने उसको डेबिट साइड में रखा है। तो हमारी ट्रांजेक्शन बन जाती है जेके ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख, 2 बैंक अकाउंट 2 लाख। इस तरह से हमारी जो मशीनरी हमने थ्रू द चेक परचेज की थी उसकी एंट्री हम इस तरह से दे सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमें यहाँ पे दी गई है ऑन 10 मई 2013, पेड ₹2,500 इन कैश ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। यानी यहाँ पे आपको कहा गया है कि 2500 का इंस्टॉलेशन किया, यानी मशीनरी जो इंस्टॉल की थी उस इंस्टॉलेशन का कैश में पेमेंट किया हुआ है। तो जब हम मशीनरी परचेस करते हैं तो उसमें अगर हमने इंस्टॉलेशन करवाया है तो वो भी वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो जाती है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हो जाती है, जो मशीनरी यानी एसेट्स के एक्सपेंसेस के अंदर ही इंक्लूड हो जाती है। तो हमने यहाँ पर इंस्टॉलेशन किया है किस चीज़ का, मशीनरी का, तो हम यहाँ पर मशीनरी अकाउंट को डेबिट में रखेंगे, और हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस कैश में पेमेंट की हुई है तो हमने यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट रखा है। तो एज़ पर नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यानी मशीनरी इंस्टॉलेशन हमारा वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो गया, तो हमने उसको डेबिट साइड 2500 अमाउंट से रखा है, और थ्रू द कैश हमने वो इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं तो हमने उसको कैश अकाउंट में क्रेडिट किया है। तो हमारी यहाँ पर ट्रांजेक्शन बन जाती है मशीनरी अकाउंट डेबिट 2500 टू कैश अकाउंट 2500। आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन में उस तरह से लिखा हुआ है, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2500 टू कैश अकाउंट 2500। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दी हुई है। आप देख सकते हो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ऑन 20 मई 2013, ब्रिक सीमेंट एक्सेट्रा फॉर ₹1,60,000 एंड थम्बलर फॉर ₹3 लाख परचेज्ड फ्रॉम XYZ कंपनी लिमिटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट वॉज मेड बाय चेक।
यानी कि बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमने टम्बलर्स एंड सीमेंट ब्रिक्स एक्सेट्रा चीज़ें परचेस किए हैं 1,60,000 की और 3 लाख की, एक्स वाई जेड कंपनी से परचेस किए हैं। तो हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन पास आउट किए हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए, और दूसरी है जो हमने चेक थ्रू पेमेंट किया है उसके लिए। यानी कि हमने यहाँ पे भी अलग अलग दो ट्रांजेक्शन पास किए हैं, जैसे हमने ऊपर वाली एंट्री में की थी मशीनरी वाली में, सेम चीज़ सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। वैसे तो हमने पेमेंट कर दिया है चेक थ्रू, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हमने यहाँ पे दो अलग अलग ट्रांजेक्शन पास आउट की है। फर्स्ट है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4,60,000, यानी कि ब्रिक्स सीमेंट और टम्बलर दोनों का टोटल करके हमने अमाउंट रख दी है, और जो पार्टी से हमने परचेस किया एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड, तो हमने उसको क्रेडिट साइड में रखा है। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड को क्रेडिट साइड में रखा है 4,60,000, जो हमने टोटल अमाउंट किए है वो। हमने एक्स वाई जेड कंपनी को कैश में पेमेंट नहीं किया है, थ्रू द चेक पेमेंट किया है, यानी कि हमने उस कंपनी को पेमेंट कर दिया है। तो पेमेंट हमने कर दिया है, इसीलिए हमने यहाँ से उसकी ट्रांजेक्शन पास आउट करनी रहेगी थ्रू द चेक। तो अभी हम देखेंगे ट्रांजेक्शन जो हमने पेमेंट की हुई है, यानी कि एक्स वाई जेड कंपनी जो रिसीवर हो रही है एज़ पर पर्सनल रूल, रिसीवर अकाउंट डेबिट, तो एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आप देख सकते हो हमने एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी को डेबिट साइड में रखा है, क्योंकि पर्सनल रूल के हिसाब से वो रिसीवर हो रही है, और थ्रू द चेक हमने पेमेंट किया है, तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट में रख रहे हैं। तो इसकी हम ट्रांजेक्शन बनाएंगे। आप देख सकते हो हमने उसकी ट्रांजेक्शन बनाई है एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 4,60,000 टू बैंक अकाउंट 4,60,000। थैंक यू।